दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति विभाग व रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य और मौलिक सिद्धांत विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रूसी राम महानंदा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारी संविधान की आत्मा है और उसमें दिए गए मूल्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आलोक में वर्तमान सरकारें काम कर रही हैं। उन्होंने संविधान के मौलिक सिद्धांत पंथ निरपेक्षता व समाजवाद का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मानने व प्रचार प्रसार के स्वतंत्रता है। समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि भारत ने समाजवादी विचारधारा को पोषित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां लोक कल्याण का अर्थ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की शिक्षक डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, विकास पाठक, डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी, डॉक्टर सुनील सिंह सहित छात्र व छात्राएं मौजूद रहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत उसे स्वीकार कर लिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमने एक लौ औपनिवेशिक, हमने शोषण को झेला था, अधिकारों से हम वंचित रहे, स्वतंत्रता के उपभोग करने की हमको कोई स्थितियां नहीं मिली थी, इसलिए उस कटु अनुभव से हम कैसे मुक्त हों, ये कोशिश संविधान सभा ने की। अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से एक उत्कृष्ट जीवन शैली हम प्रदान कर सकें, ये हमारे संविधान की प्रतिबद्धता है। किसी देश का संविधान सिर्फ नियमों और विनियमों का समुच्चय ही नहीं होता, बल्कि उस देश के अनगिनत नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी होता है। उस देश के संविधान से उस देश की जन आकांक्षा की एक झलक मिलती है, और भारत का संविधान भी शायद उसके नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। दुनिया की तमाम क्रांतियां हुई हैं, जिसमें दो क्रांतियों का उल्लेख आदरणीय महानंदा सर ने अपने संबोधन में कहा। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो खून खराबा होगा, ऐसा हमारे विचार में मानस में आता है, लेकिन दुनिया में एक अजीब क्रांति हुई, पूरी व्यवस्था बदल गई, राजशाही से लोकशाही के तरफ संक्रमण हो गया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। विद्वानों ने इस घटना को गौरवशाली क्रांति कहा, क्योंकि यह रक्त रंजित क्रांति नहीं थी, और इंग्लैंड की पूरी व्यवस्था बदल करके मैग्ना कार्टा में जो नागरिकों के समक्ष हस्ताक्षर युक्त आश्वस्ति थी, उसके क्रियान्वयन के तरफ इंग्लैंड को बढ़ना पड़ा। एक ऐसी संकल्पना, लोकतंत्र को हम एक शासन की पद्धति भी कह सकते हैं, और इन सब से बढ़कर के लोकतंत्र को हम जीवन की पद्धति कह सकते हैं। चाहे विश्व शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के क्रियान्वयन की बात हो, ये सारे सद्गुणों से युक्त संकल्पनाएं बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था के संभव नहीं है। तंत्र होगा जो पहले था, दुनिया के विभिन्न कोनों में देशों में था, चाहे वो लोकतंत्र होगा जहां की सत्ता की धुरी और संप्रभुता का मुख्य स्रोत वो आम नागरिक जनता होगी, और या तो तीसरी कोटि होगी जिसे हम डिक्टेटरशिप, अधिनायकवादी तंत्र या तानाशाही कहते हैं। जन चेतना का ऐसा प्रभाव था कि हमने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र को चुना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना, और हमारे संविधान सभा में उपस्थित आधा घंटे में पूरे संविधान का वाचन किया जा सकता है, पूरे संविधान को आधे घंटे में हम पढ़ सकते हैं।